हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एक्सेस टू टेक। आज हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही बढ़िया फंक्शन जिसका नाम है सम फंक्शन एंड एवरेज फंक्शन। सो जैसा कि आप लोग देख रहे हो कि ये कुछ डेटा मेरे पास है, रोल नंबर्स हैं, कुछ स्टूडेंट्स का डेटा है जिसमें रोल नंबर्स हैं, नेम है, डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट भी हैं और ये कुछ मार्क्स हैं। तो मुझे क्या करना है, मुझे इन सब मार्क्स का टोटल करना है, इंडिविजुअली हर बच्चे का टोटल करना है मार्क्स का। सो ये मैं कर पाऊंगी विद द हेल्प ऑफ सम फंक्शन। तो देखते हैं हम सम फंक्शन को कैसे यूज कर सकते हैं। आपको क्या करना है, जहां भी आपको सम या टोटल करना है उस सेल पे जाके एक बारी क्लिक कीजिए। इज इक्वल्स टू उसके बाद सम SUM सम फंक्शन टाइप किया, ब्रैकेट ओपन किया। नाउ इट इज आस्किंग फॉर द नंबर्स। अब बड़े ध्यान से देखिएगा कि क्या करते हैं हम लोग। मेरे को ये फर्स्ट सेल से लेके, दैट मीन्स इंग्लिश से लेके जीके तक का टोटल चाहिए। तो आप क्या करेंगे, सिंपली विद द हेल्प ऑफ लेफ्ट माउस बटन यहाँ पे क्लिक करेंगे और ये सिलेक्ट करते जाएंगे। तो आप देख रहे हैं ऑटोमेटिकली जो यहाँ पे सेल्स है उनके नंबर आ रहे हैं। ई कॉलम का नाम है, फिफ्थ रो है। एफ कॉलम का नाम है, फिफ्थ रो है। सो इस तरीके से आपने देखा लास्ट जो है वो मेरा जे कॉलम है और फिफ्थ रो है। अब आपको जो आपने ब्रैकेट ओपन किया था उस ब्रैकेट को क्लोज करना है। इतना करने के बाद ये हमारा फॉर्मूला हो गया सम का। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली एंटर प्रेस कर देना है। जैसे ही आप एंटर प्रेस करोगे आप देखोगे कि सम आपके पास आ गया। अब ये तो सिर्फ पहले एक बच्चे का सम आया है, शिप्रा का। अभी मुझे अभी, आदि, अनिल, शुभी, शुभ्रा, इन सब का भी सम कैलकुलेट करना है। तो मैं कैसे करूंगी, सिंपली आपको क्या करना है, आप इसी सेल पे जाओ और जहां ये प्लस जैसा ऑप्शन आ रहा है अभी, सिंपली लेफ्ट माउस बटन की हेल्प से इसको प्रेस करो और नीचे ड्रैग करो। आप देखेंगे सारे जितनी भी डेटा है आपके पास उन सब का सम आ गया। सो बेसिकली सम का फॉर्मूला मैं लिख देती हूँ यहाँ पे। आपको क्या करना है, सम का फॉर्मूला नॉर्मली है इज इक्वल्स टू SUM सम एंड देन यू हैव टू ओपन द ब्रैकेट एंड आफ्टर दैट आपको सिर्फ अपनी रोज सिलेक्ट करनी है जहां जहां आपको सम, जिस जिस सब्जेक्ट का आपको सम चाहिए आप वहां तक सिलेक्ट।